मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में करीब 11 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसा इतना भयानक था कि फैक्ट्री के आसपास सड़क पर कई लोगों के शव पड़े हुए दिखाई दिए। प्रशासन ने 25 से ज्यादा घायलों को हरदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की मदद ली जा रही है। हरदा हादसे पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हादसे के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें कि पटाखों की ये फैक्ट्री मगरदा रोड पर बैरागढ़ गांव में है। धमाका मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर वाहन समेत दूर उछल गए। धमाका इतना तेज था कि पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई दी। आग के लपटे और धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता है। करीब 1 घंटे तक धमाके होते रहे। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री के आसपास बने घरों में बारूद रखा था। धमाके के बाद 60 घरों में आग लग गई, जिसके बाद प्रशासन ने 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया। हरदा के आसपास से 7 जिलों की फायर ब्रिगेड बुलाई गई। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है।